हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं मूंग दाल का चीला बनाने जा रही हूँ। हमने 1.5 कप दाल लिया था मूंग दाल, और उसको हम अच्छे से धो लिया है 4-5 पानी से, और 4 घंटा तक डुबा के रखे थे। अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल रहे हैं। इसमें हम 2 हरी मिर्च है उसको डाल रहे हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है इसको हम डाल रहे हैं, और हम इसको अच्छा से पेस्ट बना लेते हैं जैसे डोसा का बनाते हैं वैसे। हमने अच्छा से बेटर पीस लिया है एकदम चिकना, और ये बेटर को हम एक बाउल में डालते हैं, और इसमें हम 1 चिमटी हींग है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच धनिया हल्दी पाउडर है, और 1/2 चम्मच नमक है, और धनिया पत्ती काट के रखे हैं उसको डाल रहे हैं, और इसको हम अच्छा से मिला देते हैं। अच्छा से मिला देते हैं और 20 मिनट के लिए इसको हम ढक के सेट होने के लिए रख देते हैं। हमने बेटर को 1/2 घंटा तक रख लिया था ढक के, अब ये बनाने लायक हो गया है। ऐसा होना चाहिए, ना एकदम गाढ़ा ना पतला, बिल्कुल डोसा बनाते हैं वैसी टाइप का। अब हम तवा गरम कर रहे हैं और आँच कम रखेंगे मध्यम में, और इसमें हम तेल अच्छा से ग्रीस कर लेते हैं तवा में, फिर बेटर डालेंगे हम। और इसको हम थोड़ा देर ढक के रख देते हैं, 2 मिनट के लिए रखेंगे। 2 मिनट हो गया है, अब हम खोल के देख लेते हैं, और ढक के पकाने से ऊपर तरफ भी पक जाता है। इसको हम थोड़ा देर के लिए फिर पलट देते हैं। अच्छा से पक गया है, इसको हम ऐसे फिर 2 मिनट रखेंगे एकदम मध्यम आँच में। हम इसको पलटा के दिखाते हैं, देखो ये भी पक गया है, और पलटने के ऐसा पलट देते हैं, तब थोड़ा तेज आंच कर देंगे और निकालते समय कम में कर देंगे बिल्कुल। तेल का ग्रीस करेंगे और फिर 1 चम्मच लेंगे और पूरा फैलाते हुए डालना है। फिर हम ढक के 2 मिनट के लिए रख लेते हैं। हम पलट लेते हैं, अच्छा से पक गया है नीचे। थोड़ा देर यहाँ भी हम 1 मिनट के लिए रख लेंगे, और आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे। इसको भी हम पलट के देख लेते हैं, अच्छा से दोनों तरफ पक गया है। अब हम चीला को निकाल लेते हैं। इसी तरह पहले हम तावा को ग्रीस कर लेंगे, फिर बेटर डालेंगे। इसी तरह हम सारे चीला को बना लेते हैं। हमारा मूंग दाल का चीला बन के तैयार है। इसको दही के साथ या टमाटर के चटनी के साथ खाया जाता है और अच्छा लगता है, और ये हेल्दी है, और चीला को गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद उतना अच्छा नहीं लगता। और बनाइएगा, खाइएगा, और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।